दोस्तों नमस्कार। आज हम मोती से थालपुष बनाएंगे और ये टू प्लाई का ऊन उसमें दो कलर का लगा रहे हैं। इसे हम दो धागा करके बनाएंगे। ऐसे हम दो गोले को एक में कर लेंगे तो ऐसे दो धागा हो जाएगा। और इसमें हम 10 नंबर की क्रोशिया और ये 4 नंबर की मोती यूज कर रहे हैं ग्रीन में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गाँठे लेंगे। गाँठे लेकर के हमें चैन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 चैन लेकर हम इसे राउंड कर लेंगे। ऐसे राउंड करने के बाद फिर 3 चैन लेंगे। 1, 2, 3 3 चैन लेने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें ढीले हाथ से डबल क्रोशिया बनानी है। 3 हुआ, 4 हुआ, 5, 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसे ऐसे पफ डिजाइन बनाएंगे। इसमें ऐसे पहले वाले में डाल के और इसे ऐसे बांध लेंगे और फिर दूसरा हम बनाएंगे। सॉरी, यहाँ चैन लेंगे हम। 1, 2 चैन लेना है और फिर वैसे ही डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हमें 12 पफ बनाने हैं। तो चलिए 12 पफ बना के दिखाते हैं। सॉरी, हमें 12 पफ दूसरे राउंड में बनाने हैं। पहले राउंड में हमें 6 पफ बनाने हैं। तो देखिए, हमने 6 पफ बना लिया है। अब इसे हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे और फिर एक चैन लेंगे और बगल वाले जहाँ हमने 2 चैन लिया है वहीं पर हम ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर ले रहे हैं। उसके बाद से फिर हम 1, 2, 3 3 चैन लेकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हर 2-2 चैन में हम 2-2 पफ बनाना है हमें। चार, पाँच, छः, ऐसे हम यहाँ पफ बना के फिर 2 चैन लेंगे। 1, 2 और फिर इसी में एक और पफ बनाएंगे। हमें हर पफ के बीच में 2-2 पफ बनाने हैं। यहाँ जो चैन लिए हैं इस बीच में हमें 2-2 पफ बनाने हैं। तो हमारा 12 पफ बन जाएगा। देखिए, ये हमारा 12 पफ बन गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अब इसे हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे और इस धागे को अब हमें कट कर देना है। अब हम वाइट धागा लगाएंगे यहाँ पर। ऐसे अब वाइट धागा में हमें पहले ही मोती को ऐसे डाल लेना है और उसके बाद से धागे को जोड़ लेंगे। देखिए, ये हमने ऐसे गाँठे ले लिया है। अब हम जहाँ 2-2 पफ बनाए हैं उसी के बीच में हम ऐसे क्रोशिया को बांध देंगे। हम यहाँ फिर 3 चैन लेंगे और इसी में फिर हम पफ बनाएंगे। 2 पफ बनाने हैं हमें। तो चलिए पफ बना के दिखाते हैं। देखिए, हमने 2 पफ बना लिया। अब इसके बाद हमें फिर चैन लेना है। 1, 2, 3 3 चैन ले करके अब हमें मोती लगाना है यहाँ। तो मोती को हम पहले एक मोती को ऐसे पास कर लेंगे और फिर हम इधर से क्रोशिये को ऐसे डाल के और इस फंदे को हम ऐसे खींच लेंगे। ऐसे
ऐसे खींचने के बाद हम मोती चैन पर चढ़ा के और फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 के बाद फिर चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेंगे और फिर मोती को हम पास करेंगे ऐसे और फिर फंदे में ऐसे ही जहाँ हम पफ बना रहे हैं उसके अगल बगल हमें ऐसे और फिर मोती को हमें ऊपर चढ़ा देना है। यहाँ हमें 2 ही चैन रखने हैं, 3 चैन नहीं लेना है। 3 चैन हम सिर्फ मोती डालने के लिए ले रहे हैं, फिर 2 चैन पर हम अब यहाँ हम जहाँ पफ बनाए हैं यहाँ पर फिर पफ बना लेंगे। 2 पफ बनेंगे एक में, जैसे यहाँ पर हमने बनाया है वैसे ही यहाँ भी हमें पफ बनाने हैं। देखिए ये हमने ऐसे 2 पफ बना के फिर मोती को इसमें ऐड कर लिया। अब यहाँ फिर बगल वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके बाद से फिर मोती लगाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरा राउंड करेंगे, 1 2 चैन। देखिए यहाँ हमने पफ बनाया, फिर मोती ऐड किया, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया बना के फिर मोती ऐड किए हैं। ऐसे ही हमारा पफ, फिर 3 डबल क्रोशिया, मोती बीच में, ऐसे ही ये राउंड पूरा होगा। देखिए ये हमारा लाइन पूरा हो गया है। हमने यहाँ 2 पफ बनाए, फिर मोती डाला, फिर डबल क्रोशिया 3 बनाए हैं, फिर मोती, फिर पफ। ऐसे ही पफ, ये जो पफ हमारा है, जहाँ जहाँ हमारा पफ बना है उसी के अगल बगल हमारा मोती अभी चलते जाएगा और यहाँ क्रोशिया के सामने हमारा क्रोशिया बनेगा। तो इसे अब हम जॉइंट कर रहे हैं। यहाँ देखिए ऐसे जॉइंट करने के बाद एक चैन लेकर बीच वाले में हम आ जाएंगे और यहाँ हमारा पफ बनेगा। 1 2 3 चैन लेकर हमें याद रखना है, पफ के सामने हमें पफ ही बनाना है, पफ के अगल बगल ही हमें मोती लगाना है। देखिए हमने ये पफ बना करके यहाँ मोती लगा लिया है। अब हमें यहाँ जहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं वहाँ हमें इस मोती के बगल में 1 डबल क्रोशिया ऐसे चैन में फंसा के बनाना है ऐसे, और फिर उसके बाद से 3 डबल क्रोशिया के सामने 3 डबल क्रोशिया ऐसे और फिर एक, फिर मोती के बगल में 1 डबल क्रोशिया। ऐसे तो ये हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया और उसके बाद से फिर 1 2 चैन लेंगे और फिर मोती लगाएंगे, फिर पफ बनाएंगे। ऐसे ही ये राउंड भी हम पूरा करेंगे। देखिए ये हमारा ऐसे बन करके तैयार होगा। तो ऐसे ही हम पूरा राउंड बनाएंगे और इसे हम और थोड़ा बड़ा कर लेंगे। हमें बस यही, ये जो 3 हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर हमने 5 बनाया है, उसके ऊपर हमारा 7 बनेगा। ऐसे ही दोनों बगल से एक एक बढ़ते हुए जाएगा। हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये पास से हम दिखा रहे हैं ऐसे, ये देखिए ये हमने 4 राउंड बना लिया है। यहाँ 1 2 3 4 राउंड मोती का लगाया है हमने। अब यहाँ पर हम फिर बीच में भी यहाँ मोती लगाएंगे। देखिए ये पफ हमारा 1 2 3 4 राउंड ये पफ बन चुका है। 5वें राउंड में हम फिर यहाँ पर अब शुरू करेंगे।
तो यहाँ पर अब हम फिर दो चैन लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, ये हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया है। इसके नीचे वाले लाइन में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबल क्रोशिया है। तो यहाँ हमारा 5 के बाद हम दो चैन लेंगे, यहाँ ऊपर हमारा 11 डबल क्रोशिया बनता है, तो लेकिन बीच में हमें मोती लगाना है तो यहाँ दो क्रोशिया हम छोड़ेंगे। यहाँ हमारा होगा दो चैन लेके हम पहले मोती लगा लेंगे, देखिए ये मोती हमारा लग गया। अब यहाँ हम 1 और 2, ये दो चैन छोड़ेंगे और तीसरे में हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इस साइड भी हमारा 5 डबल क्रोशिया बन जाएगा। ऐसे ही ये राउंड हमारा पूरा होगा। फिर 1 और 2 चैन, हमारा ये लाइन सीधे ही जाएगा ये, और ये बीच में जो है हमारा ये अभी बढ़ेगा। यहाँ पर हमने एक मोती लगाया, इसके ऊपर फिर आएंगे तो 2 मोती लगेगा, फिर 3 लगेगा, वैसे ही हमारा चैन बढ़ेगा। जैसे यहाँ हमने 2 चैन लेकर के एक मोती लगाया, वहाँ पर 4 चैन लेंगे और 2 मोती लगाएंगे, और ये हमारा साइड से ऐसे ही जाएगा। चलिए ये राउंड हम पूरा कर लेते हैं। देखिए ये हमने राउंड पूरा कर लिया है, बीच बीच में एक, और ये हमारा बीच बीच में एक चैन हम छोड़े हैं और यहाँ 2 चैन ले करके हम एक मोती लगाए हैं। अब यहाँ दूसरे राउंड में हमारा ये क्या होगा, यहाँ हम 2 मोती लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने हमारा यहाँ 5 ही बनेगा। जैसे इसमें फर्स्ट वाला मोती हमने लगाया तो 5 डबल क्रोशिया बना करके फर्स्ट मोती लगाया, फिर इधर भी 5 डबल क्रोशिया, तो फिर इसके ऊपर भी हम 5 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद से इधर का एक चैन छोड़ेंगे और इधर का एक चैन छोड़ेंगे, और यहाँ हम 4 चैन ले लिए हैं और यहाँ हम 2 मोती ऐसे क्रोशिया को डाल करके एक एक करके निकालेंगे, ऐसे ऐसे पहले क्रोशिया को ऐसे फंसा लिए और फिर दूसरे को भी ऐसे ही ऐसे, और फंसाने के बाद ऐसे 2 मोती हमारा हो गया। और इसके ऊपर हम अब ये वाला हम छोड़ देंगे एक चैन और यहाँ से फिर डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। देखिए ऐसे ही हमारा अब 2 बनेगा, इसके ऊपर 3 बनेगा, और आप और बड़ा बनाना चाहेंगी तो 3 के बाद 4 5 बीच में बड़ा बनाते जाएंगी, लेकिन हम 3 तक ही ले जाएंगे। तो चलिए 3 तक ये बना करके यहाँ 3 मोती हम लगा करके दिखाते हैं। देखिए ये हम 3 3 मोती का ये राउंड भी पूरा कर लिए, ये हमारा 3 राउंड हो गया है बीच का। अब यहाँ हमें क्या करना है, अब इसे हम घटाएंगे, तो यहाँ पर 3 है तो इसके ऊपर फिर 2 मोती लगेगा, फिर 1 लगेगा। जैसे ये नीचे हमने शुरू किया है वैसे ही ऊपर ख़त्म होगा और ये भी हमारा घटना शुरू होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमने पफ बनाया है इस मोती के यहाँ पर हमने 2 चैन लिया है, आप चाहें तो 3 चैन भी लेंगे, उनके हिसाब से आप यहाँ चैन लेंगे। जैसे ऊन पतला होगा तो आपको चैन ज़्यादा लेना पड़ेगा, नहीं तो बाद में सिकुड़ने लगता है हमारा थालपुष। तो यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, अब यहाँ हमारा पफ बनते जाएगा, ये बढ़ते हुए में यहाँ पफ हमारा बढ़ेगा और ये हमारा बर्फी आकार में घटना शुरू होगा डिजाइन। देखिए ये हम ऐसे यहाँ पफ बना रहे हैं, देखिए हमने ये बीच का लाइन हमें लेना है और इसके बीच से हमें
दोनों तरफ से एक एक पफ निकालना है, और ये पफ हमारा एक से दो, दो से तीन, तीन से चार ऐसे बढ़ते जाएगा, और ये हमारा अब घटते जाएगा। यहाँ हमने एक पफ दिया, उसके बाद से अब यहाँ फिर एक दो चैन लेके हम यहाँ मोती लगाएंगे। ये हमने मोती लगा लिया। अब हमें क्या करना है, जो हम इधर मोती के बगल में डबल क्रोशिया बनाते थे, यहाँ हमें नहीं बनाना है। यहाँ एक चैन छोड़कर हमें यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें घटाना है, इसीलिए हम इधर से अब एक एक घटाते जाएंगे। हमारा तीन हुआ, ये चार हुआ, और ये अब मोती के इस साइड में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है यहाँ। तो ये हमारा पांच डबल क्रोशिया हो गया, और फिर यहाँ हमारा दो मोती लगेगा। एक दो तीन चार चैन लेंगे और दो मोती, ऐसे ही ये राउंड हमारा पूरा होगा। चलिए थोड़ा बुन करके दिखाते हैं अभी। देखिए इस तरह हमारा ये डिजाइन तैयार होगा ऐसे। अब इसके ऊपर हम एक मोती फिर लगाएंगे। ये राउंड पूरा करने के बाद फिर हमारा ये लास्ट मोती लगेगा, उसके बाद फिर सिंपल ये हमारा डबल क्रोशिया, जैसे ये नीचे बना है वैसे ही ऊपर इसके भी बनेगा, और ये हमारा घटते हुए चला जाएगा। जैसे यहाँ तीन डबल क्रोशिया से शुरुआत किए हैं, वैसे ही तीन डबल क्रोशिया ऊपर चला जाएगा, और ये हमारा बढ़ते हुए जाएगा। देखिए ये हमने दो पफ यहाँ शुरू से लेकर के हम यहाँ आ गए हैं, और इसके बगल में फिर एक एक पफ बढ़ाए हैं। ऐसे ही इधर दो पफ बनेगा, इधर भी दो पफ बनेगा, चार पफ, पाँच, ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा, और ये हमारा बर्फी आकार का मोती थालपोश डिजाइन तैयार होगा। तो चलिए अब ऐसे ही बनाते हैं। दिखाने में मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, आपको बता दिए हैं। और ये हमारा साइड से अब इधर बढ़ रहा है और इधर घट रहा है, एक एक डबल क्रोशिया इधर हमारा घट रहा है, देखिए। तो ऐसे ही ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हमारा सिंपल ऐसे घटते हुए में दोनों तरफ से चला जाएगा। देखिए ये हमारा इस तरह से डिजाइन तैयार हुआ है। ये हमारा देखिए, ये जो डबल डबल हमने बनाया है, ये हमारा सीधे ऊपर तक जाएगा, और ये बीच में हमने दो दो ही करके इसमें बनाया है। तो बीच का लाइन हमारा दो दो करके बना है, और ये किनारे किनारे में एक एक बढ़ते हुए गया है। इधर हमारा घटा है तो इधर ये बढ़ा है, ऐसे ही सभी में हमने बनाया है। आप अब हम इसमें अब फिर से ये ग्रीन कलर लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा थालपोश पूरा हो गया है। और अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहती हैं, तो आप ये जो बर्फी हमने बनाया है, तो जो हम यहाँ चार राउंड, ये चार लाइन बीन करके ये वन टू थ्री फोर, फोर राउंड के बाद ये फाइव राउंड में हम ये लगाए हैं मोती, तो आप इसे बड़ा बनाना चाहेंगे तो ये और ऊपर जाएगा। उसके बाद से ये बीच का भाग हम बनाएंगे, बीच वाला बर्फी, तो आपका थालपोश और बड़ा होगा। और इसके ऊपर अब हम यहाँ ग्रीन कलर लगा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ हमारा ख़त्म हुआ है जॉइंट, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। और अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में मोती को बीच में ऐसे लगा के, और दोनों तरफ यहाँ अब पफ बनेगा। अब हमारा ये ख़त्म हो गया डिजाइन, तो ये हमारा, ये हम दो राउंड या चार राउंड ये ग्रीन से हमारा यहाँ पफ बनते जाएगा, पूरा राउंड हमारा अब पफ ही बनेगा। देखिए ये हमारा इस तरह से बनेगा। ये मोती के दोनों अगल बगल हमने ये बना लिया है। अब इसके ऊपर फिर अब इसमें बनाएंगे तो एक हो जाएगा ये। आप इसे चाहें तो इसी पर ख़त्म कर सकती हैं दो राउंड बीन करके, नहीं तो फिर वाइट लगाना चाहेंगी तो वाइट भी लगा सकती हैं।
और यहाँ पर हमने तीन को एक ही में तीन डबल क्रोशिया पर ही घटा दिया है। देखिए तीन डबल क्रोशिया बुन करके एक ही में करके घटा दिया है हमने, तो ये हमारा इस तरह से तैयार हुआ है। आपको ये थालपोश डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाला मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके बाद हम दो राउंड बीनने के बाद झालर लगाएंगे, और हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। देखिए हमारा इस तरह से ये थालपोश डिज़ाइन तैयार हो गया। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अच्छा लगे तो लाइक करें।